अब डाउटनट ऐप पर मिलेगा क्लास 6 से 12 का सारा प्रश्नों का उत्तर मात्र 3 सेकंड में। कोई भी प्रश्न को अच्छा से क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद उसका आंसर आपको 3 सेकंड में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप प्रश्नों का हल मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। कल आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए टॉप VVI आपको 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स और साइंस का भी प्रोवाइड कराए थे, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन गेस से आया हुआ है। जो बच्चे एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का गेस लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप संस्कृत का गेस ले सकते हैं। जो बच्चे एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का गेस लिए हैं, वो कमेंट करके बताइए कितना आपको गेस से बेनिफिट हुआ है, जिससे दूसरे बच्चे को भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, यहाँ पे आपको VVI प्रश्न कल के एग्जाम के लिए करा रहे हैं। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज टर्की को कहा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको कल एग्जाम के लिए VVI वायरल प्रश्न करा रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो आपका 2 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 मेजिनी ने की थी। मेजिनी ने आपका यहाँ पे यंग इटली का स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो अप्रैल थीसिस आपका लेनिन ने लिखी थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था? तो 5 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स अंकोर वाट में किस हिंदी देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में आपका 6 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 विष्णु भगवान का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 8 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हीरा कुंड परियोजना है, तो हीरा कुंड परियोजना कहाँ है? तो ये महानदी पर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये आपका पटना में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल आपका एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये सारा क्वेश्चन लगभग आपका क्वेश्चन इसी से आएगा और इसी के पैटर्न पे आएगा। थोड़ा सा आपका डाटा इधर उधर कर दे रहा है, जो भी आपको प्रश्न कराया जा रहा है इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जा रहा है। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चीन को करती थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो आपका फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? 13 का आपका करेक्ट हो जाएगा, लौह अयस्क आपका नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो आपका 14 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? 15 का आपका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 16 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 17 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी रियो डी जनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो झारखंड है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको 110% अथेंटिक यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, 48 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए 48 में आप लोग को 40 ही करके आना है, अगर पूरा आप लोग कर दीजिएगा तो शुरू से 1 से 40 चेक होगा।
ऐसे आप मान लीजिए चुन के 40 कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसे आप 48 कर दीजिएगा तो 41 के बाद आपका क्या सही हो चेक नहीं करेगा, शुरू से लेके एक से लेकर 40 तक आपका चेक कर लेगा, इसलिए 40 क्वेश्चन ही बनाना है और सही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, 19 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, 20 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई कब हुई थी, तो आपका 21 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का आ रहा है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, 22 का आपका करेक्ट हो जाएगा, बी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है स्टूडेंट्स, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, 23 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए लखनऊ। पूरा आपको VVI क्वेश्चन कराया जा रहा है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग 5 ग्रुप में कम से कम शेयर कर दीजिए, जिससे सभी छात्रों को हेल्प पहुँच सके। मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प पहुँच सके, इसलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है, 24 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है बरौनी में आपका अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी, 25 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था। आपको पता है जो लोग एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का गेस लिए कमेंट करके बताइएगा कि कितना गेस से क्वेश्चन आ रहा है, जिससे सभी छात्रों को पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, 26 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, 27 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 28 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं 2 जून 2014 को हुआ था। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो ये आपका उत्तराखंड से हुआ था। किसके लिए था, तो ये वृक्षारोपण के लिए था, ये साइंस में भी आया हुआ था, जो साइंस का एग्जाम दिए थे फर्स्ट सीटिंग में वो लोग जान रहे हैं, साइंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो आपका 32 का करेक्ट हो जाएगा, सी भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा इशू है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, 35 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 36 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जिसको अब नीति आयोग कहा जाता है, उसका जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी CEO कौन है, नीति आयोग का CEO कौन है, और जो अभी प्लानिंग कमीशन चल रहा है उसका CEO कौन है। आप लोग जो जो मैं यहाँ आंसर बता रहा हूँ उसको कमेंट करके जरूर आप लोग लिखिए, जिससे आप लोग का रिवीजन होगा। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार कमेंट में सबका आंसर लिखते जाइए, जिससे उनका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 37 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो ये आपका शिवहर जिला है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही यह कथन किसका है, 39 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्राउथर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, बांग्लादेश का मुद्रा का नाम पूछ लिया है, टका होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 41 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे 1904 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं, तो 19 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रोटी कपड़ा और मकान। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, 44 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी सैन्य सेवा। क्वेश्चन नंबर 45 का है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था, 2005 में किया था, सभी को पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था 1905 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 का है सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, जापान से लिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये आपका भूकंप, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले अर्थक्वेक पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आप लोग के लिए, कल के लिए आप लोग तुरंत वीडियो का डिमांड किए, हमारी टीम तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही है। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।